माइसेल्फ अभिनव चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, सो गाइज आप उनके फॉर्म कैसे भर सकते हैं आसानी से, वो चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो को हमारा पूरा देखे, और गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए गाइज, और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ। और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। सो गाइज, सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और शेयर कर दे दोस्तों के साथ। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, सब्सक्राइब करें टेके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सआर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि आपसे मैंने अभी कहा कि गाइस रेलवे की वैकेंसी आई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। सो गाइस, आपको कुछ कुछ नहीं करना है, अपने कंप्यूटर में गाइस आपको क्रोम खोल लेना है, और क्रोम खोलने के बाद गाइस आपको रेलवे की वेबसाइट खोल लेनी है। जैसे कि मैंने पहले खोला था, तो मैं उसे बुकमार्क में सेव रखा है, सो मैं डायरेक्ट बुकमार्क से खोलूँगा। आप उसे सर्च कर लीजिए क्रोम खोल के गूगल पे, और उसे सर्च करने के बाद आप खोल लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस खोलने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वेबसाइट खुलेगा उसका। गाइस आप यहाँ पर उसकी पढ़ सकते हैं कि आपको स्टेप्स फॉलो, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। फिर वो सब चीज़ फॉलो करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, अपना स्टेट चुन लीजिए, और अगर आप नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, या आपने पहले रजिस्टर किया है और वो आधा प्रोसेस ही हो गया है, तो गाइस आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड करना होगा। गाइस देख सकते हैं हमारा पेज खुल चुका है। गाइस आपको यहाँ क्या करना है गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ आप लोग को अपने डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नेम्स री इंटर नेम करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार नंबर डालना है, अपना स्टेट डालना है, फादर्स नेम मदर्स नेम, और पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। सो गाइस जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरह अपनी स्टेप्स कर ले पूरी। आप पहले अपना नेम भर ले, जो नाम जिस जैसे आपको वो नाम भरना है, जो नाम आपके मैट्रिक या इंटर के मार्कशीट पर लिखा हो, जिस टाइप से लिखा हो आपको उसी टाइप से आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। अगर वो कैपिटल में तो आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में तो आपको स्मॉल में लिखना है। और गाइस इसके बाद आपको नीचे की सारी डिटेल्स भर लेनी है। और गाइस आप लोग तो जानते ही होंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। गाइस इसमें आप लोगों ने अगर ट्वेल्थ किया है फिजिक्स मैथ से, तो आप ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी पे, और अगर आप ITI किए हैं तो आप तो अप्लाई कर ही सकते हैं। सो गाइस अगर आपने ट्वेल्थ किया है फिजिक्स फिजिक्स और मैथ से, तो गाइस आप ज़रूर अप्लाई करें इसको भी। और गाइस अपना डेट ऑफ बर्थ चुन ले। और गाइस मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, आपको और इस टाइप की वीडियोज़ चाहिए कि फॉर्म कैसे भरे ऑनलाइन वैकेंसीज की, तो गाइस मुझे कमेंट करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस इतना कुछ कर देने के बाद गाइस आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको इस टाइप का मैसेज दिखेगा ऊपर, जिसमें कि आपका सारे डिटेल्स बोलेगा, कन्फर्म करना है, आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। गाइस फिर आगे स्टेप्स, आपको अगले स्टेप्स में जाना है, आपको अप्लाई एडिट पर क्लिक करना है गाइस। उसके बाद अप्लाई एडिट आपका खुलेगा, कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे डिटेल्स पूछे जाएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, SSC LTC SSC, और मैट्रिकुलेशन का पूछा जाएगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा, आपने किस सब्जेक्ट से पास किया है, आप कौन से ट्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसमें दो तीन ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिशियन का देना चाहते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक मैकेनिक का देना चाहते हैं। और गाइज अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिप्लोमा डिग्री है, तो गाइज आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी चुननी पड़ेगी स्ट्रीम, और गाइज इतना कुछ चुनने के बाद अपनी नेशनलिटी चुन लीजिए गाइज, फिर कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। गाइज कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और अब जो गाइज अगली प्रोसेस आएगी वो प्रोसेस है गाइज पेमेंट की। सो गाइज अब आपको पेमेंट करना होगा गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पहला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइज। सो गाइज आपको एप्लीकेशन फ़ी अब भरना है, तो गाइज आपको एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करना है गाइज, और इसकी ओपन होने की आपको वेट करनी होगी। और गाइज ये प्रोसेस आप कृपया करके सवेरे अप्लाई करें, क्योंकि गाइज ऑफर में बहुत रश बढ़ जाती है। सो गाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आपको पेमेंट मोड कौन सा सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए गाइज, और गो टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। गाइज देख सकते हैं मेरा एग्जाम ग्रुप क्या है, ALP टेक्नीशियन 2017 का है। सो गाइज मैंने पेमेंट मोड सेलेक्ट, और गाइज क्लिक टू प्रोसीड पे कर दिया गाइज। अब मुझे बैंक का ऑप्शन खुलेगा कि आपका कौन सा ATM कार्ड है, अगर अदर ATM कार्ड है गाइज तो आपको बीच वाला ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि नीचे में बीच वाला ऑप्शन है। और गाइज उस पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, आपसे आपका ATM कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपको वो सब चीज़ इसमें पुट कर देनी है अच्छे से, जैसे गाइज आप देख पा रहे हैं।
मुझे बताया जा रहा है कि मेरा रेफरेंस नंबर ये सब है, अमाउंट ये सब है, मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है गाइस। और गाइस कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी नई साइट खुल जाएगी एक, इसमें क्या आपसे कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट पूछी जाएगी और अदर डिटेल्स, जैसे कि आप गाइस यहाँ देख सकते हैं कि आपका डेबिट कार्ड है कि रुपे डेबिट कार्ड है। सो गाइस जो भी कार्ड है आपका उसे सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, और यहाँ आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर नेम और CVV और ये कैप्चा कोड आपको इंटर करना होगा गाइस, और पे पे क्लिक करना होगा ताकि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। जैसे गाइस मुझे दो ऑप्शन दिख रहा है, आपको भी देख सकते हैं दो ऑप्शन है। सो गाइस आपके पास जो कार्ड है आप उस ऑप्शन को क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिए, और गाइस कार्ड नंबर डालने का गाइस पे पे क्लिक कीजिएगा, तो गाइस आप देख सकते हैं आपसे OTP पूछा जाएगा जो कि आपके फ़ोन नंबर पर भेजा गया होगा, जो आपसे बैंक के अकाउंट से लिंक होगा। सो गाइस OTP डाल दे और गाइस सबमिट पे क्लिक कर दे। और गाइस आगे हमारे स्टेप्स को फॉलो करते रहे गाइस, अब हमने पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस अब हमें फिर से क्लिक करना होगा फिल एडिशनल डिटेल्स पे, और गाइस अब हमें उसमें दूसरे नए डिटेल्स डालने होंगे। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अब हमारे पास एडिशनल डिटेल्स आ रहे हैं, इसमें गाइस अब हमें हमारा एड्रेस सब डालना है, हमारे मार्कशीट डालना है, कितना मार्क्स हमें मिला था 12th में और 10th में, सब डिटेल्स हमें इसमें भरनी है, तब गाइस हम अपने अगले डिटेल्स पे जा पाएंगे अगले ऑप्शन पे, जिसमें कि हमें फ़ोटो अपलोड करना होगा। सो गाइस आप हमारे अगले स्टेप्स को फॉलो करें गाइस, आप इसमें अपना पूरा डिटेल भर दें, अपना एड्रेस, CGPA, आपको मार्क्स के रूप में क्या मिला था, CGPA मिला था कि परसेंटेज मिला था। गाइस अब हम वो प्रोसेस डन कर चुके हैं गाइस, तो हमारा मेन प्रोसेस है जिसमें गाइस हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है। सो गाइस फोटो अपलोड करने के लिए भी एक इसमें रूल है कि अगर हमें कोई अपना फ़ोटो अपलोड करना है तो उस फोटो का बैकग्राउंड हमारा पूरा वाइट होना चाहिए, और गाइस हमारे फ़ोटो पे हमारा नाम और डेट लिखा होना चाहिए, जो कि करेंट डेट हो या पिछले का भी डेट हो तो आप लिख सकते हैं। सो गाइस पर एक क्राइटेरिया है कि आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ कि हमें इस पर सैम्पल मिले हैं कि किस टाइप की फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस पहले आप सैम्पल देख लीजिए ताकि आप पता चल जाए आपको कि कैसा फ़ोटो अपलोड करना है। सो गाइस देखिए अब वो खुला PDF, सो गाइस देख सकते हैं इस टाइप की नॉट एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, और इस साइड जो फोटोग्राफ दिख रही है वो एक्सेप्टेबल है। सो गाइस आप इस टाइप की फ़ोटो डालिएगा तभी आपका फ़ोटो सबमिट होगा और एक्सेप्ट होगा फॉर्म आपका। सो गाइस आप इस तरह की फ़ोटो अपनी बनवा लें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस टाइप की फ़ोटो खिंचवा लें स्टूडियो से, और उन्हें बोल दें कि आपको इस टाइप की फ़ोटो चाहिए नेम और डेट लिखी हुई। सो गाइस अब आप लोग चूज़ कर लीजिए अपने फ़ोटो को, चूज़ फाइल पे क्लिक करके, अगर आपके पास फ़ोटो है तो, नहीं है तो बनवा लें। सो गाइस चलिए चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं और अपनी फ़ोटो चुन लेते हैं गैलरी से। सो गाइस चलिए फोटो सेलेक्ट कर, मैंने फोटो चूज़ कर लिया, आप देख सकते हैं हमारे फोटोज़ का यहाँ नाम बोल रहा है गाइस, उसके बाद आपको अपलोड का रेड आइकन जो है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद गाइस आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे अपलोड स्टेटस अभी देख रहे हैं आप क्रॉस दिख रहा है, अगर हमारा फ़ोटो सही होगा तो हमें यहाँ ग्रीन सिग्नल दिखेगा जिसके कारण हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है। सो गाइस हमें अपलोड पर क्लिक कर देना गाइस, फिर हमारा फ़ोटो अपलोड होगा और यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन जो है वहाँ पर हमें हमारा फ़ोटो दिखेगा कि फ़ोटो कैसा दिखेगा। सो गाइज आपको बस ये स्टेप फॉलो करते रहें। सो गाइज देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ आ गया है गाइज, हमारा अपलोड स्टेटस ग्रीन हो गया गाइज, अब हमें नीचे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है गाइज। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है सबमिशन, अब गाइज हमें इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। सो गाइज बस अब हमें उस प्रिंट आउट को सेव करवा लेना है और प्रिंट करवा लेना है अपने प्रिंटर से या साइबर कैफे जाके। सो गाइज अगर आपको और किसी टाइप की भी फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए कि आप फॉर्म कैसे भरें ऑनलाइन, तो गाइज मुझे कमेंट करें। सो गाइज देख सकते हैं हमारा फॉर्म खुल चुका है, हमारा फॉर्म ऐसा है, नाम फोटो सब इस पर लिखा चुका है गाइज, बस आप इसे प्रिंट कर ले PDF में। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताओ, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, सो गाइज तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे कि आपने अभी देखा मैंने आपको अपने PC पे दिखाया कि कैसे मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया रेलवे का, वो भी बहुत आसानी से। सो गाइज आप भी इस तरह अपना रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं गाइज, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि गाइज सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो गाइज आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। Hi, I'm Abhinav Chaudhary. And I'm Abhinav Chaudhary. We are Techie AKC Bros. I hope you liked our today video. So subscribe our YouTube channel right now. And turn on the notifications so you won't miss any single video. And we will meet you in our another video. So thanks for watching. Jai Hind. Vande Mataram.